There are two main types of cells, animal cell and plant cell. These cells consist of various types of membrane bound cell organelles. Plant cells have a definite shape due to the presence of the cell wall around them. Besides, unlike animal cells, plant cells contain single large vacuole. All these cells are known as eukaryotic cells. तो हम ये जो दो प्रकार रहते हैं प्लांट सेल वनस्पति पेशी और प्राणी पेशी यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल. तो ये जो पेशी है यानी ये जो सेल है ये ऑर्गेनेल्स के यानी दिस सेल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स. जो सेल ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन से ये बाउंड रहती हैं. प्लांट सेल्स हैव अ डेफिनेट शेप. प्लांट सेल्स हैव अ डेफिनेट शेप ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल अराउंड यानी उसके सपोर्ट यानी उसके अराउंड सेल वॉल प्रेजेंट रहती है. तो उसका जो उसको एक विशिष्ट आकार यानी डेफिनेट शेप प्राप्त होता है और ऑल दीज प्राप्त होता है. बिसाइड्स अनलाइक एनिमल सेल और जो बिसाइड्स अनलाइक एनिमल सेल प्लांट सेल्स कंटेन सिंगल लार्ज वैक्यूल. प्लांट सेल्स में सिंगल लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट रहता है कंटेन. ऑल दीज सेल्स आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स यानी उनको यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे बोलते हैं. ये जो सब जो सेल्स रहते हैं उनको यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे बोलते हैं. तो अब हम देखते हैं द सेल हैज फोर मेन पार्ट्स. द सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स. तो सबसे पहले सेल वॉल देखते हैं. सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सेल यानी जो आउटर मोस्ट कवरिंग रहता है सेल का उसे सेल वॉल बोलते हैं. इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. ये प्लांट सेल में ही प्रेजेंट रहता है. सेकंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन is a kind of thin covering. It is extremely delicate and flexible. It is the outermost covering of animal cell. Then hai cytoplasm. So the liquid part in the cell present around the nucleus is called cytoplasm. It occupies the space between the plasma membrane and nucleus. सेल ऑर्गेनेल्स आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. देन है सेल ऑर्गेनेल्स. दीज मेनली इंक्लूड द न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइजोजोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स एटसेट्रा. प्लांट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट. प्लांट सेल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट. Occurrence of microorganisms. तर occurrence of microorganisms यानी microorganisms are present all around. यानी microorganisms का occurrence यानी उनका रहना वो कहाँ रहते हैं कैसे रहते हैं और किसके भरोसे वो लायु रहते हैं. तो microorganisms are present all around us in the air. यानी अपने अराउंड एयर में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट रहते हैं तो वो किस तरह रहते हैं. वाटर, सॉइल, फूड, सीवेज, गार्बेज एज वेल एज इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी इन सब में वो प्रेजेंट रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस यानी ह्यूमंस में भी रहते हैं यानी मानवीय शरीर में भी उनका अस्तित्व रहता है.
Some microorganisms are solitary. That is, they live singly. यानी कुछ microorganisms ऐसे रहते हैं कि जो अकेले रहते हैं. That is, example, amoeba, paramecium. Whereas some live in colonies. तो कुछ यानी colonies में यानी सबके साथ रहते हैं. सबके साथ यानी अकेले नहीं रहते, वो सबके साथ रहते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव ऑन दी रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि जो मृत वनस्पति, डेड वनस्पति है, प्लांट्स है, उनके जो उनके भरोसे वो रहते हैं, उनके इस पे वो अपना गुजारा करते हैं. यानी सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव ऑन दी रिमेन्स ऑफ, जो बचा हुआ जो डेड प्लांट्स एनिमल्स उनका जो अवशेष रहता है उस पर वो रहते हैं. ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सिंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्मॉलर देन 100 माइक्रोमीटर्स इन साइज, दे आर ऑब्जर्व्ड ओनली अंडर माइक्रोस्कोप. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये 100 माइक्रोमीटर से भी छोटे रहते हैं साइज में, इसीलिए वो अंडर माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं. इफ अ मैग्निफिकेशन ऑफ मोर देन 1000 इज नीडेड, देन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज टू ऑब्जर्व दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यानी अगर 1000 से ज्यादा उसका वो जो इफ अ मैग्निफिकेशन ऑफ मोर देन 1000 इज नीडेड, ऑफ मोर देन 1000 इज नीडेड, देन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ही उसके लिए यूज कर सकते हैं टू ऑब्जर्व दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोटिक सेल्स. इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स. इट हैज ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियॉइड्स. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये प्रोकैरियोटिक सेल्स रहते हैं, उसमें सेल्स ऑर्गेनिल्स नहीं रहते हैं, उसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियॉइड्स रहते हैं. यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी उसके दो टाइप्स है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैविंग अ सिंगल सेल, तो वो उसे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. उसका एग्जाम्पल है बैक्टेरिया एंड वायरस, जो कि यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. मल्टीसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैविंग मेनी सेल्स, एग्जाम्पल फंगस एंड अल्गी. तो हम ये देख रहे हैं विविध वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स, ये देख रहे हैं पेज नंबर 75 एंड फिगर नंबर 11.7, अ वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स. तो हम देखते हैं, सबसे पहले ये देखिए नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये उसके बाद ये वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स है. ये अलग टाइप के माइक्रोब्स है. ये उसके बाद तो हम ये देख रहे हैं वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स इन नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में. हमने अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नेचर देखा है.
पेज नंबर 76 इस पर हम पेज नंबर पे हम ये डायग्राम देख रहे हैं 11.6। ये है प्रोकैरियोटिक सेल, तो हम ये देख रहे हैं प्लाज्मिड है ये, इसको कैप्सूल बोलते हैं, ये जो कैप्सूल। उसके बाद ये जो येलो दिख रही है ये है सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये जो है एरो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद ये है न्यूक्लॉइड, उसके बाद ये है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और ये है राइबोसोम्स, ये जो दिख रहे हैं ये है राइबोसोम्स, और ये जो है ये है फ्लैगेलम। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल सेंटर फॉर द सेल साइंस एनसीसीएस पुणे इज एन इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व द रिसर्च इन द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ सेल साइंस, साइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एटसेट्रा। तो हम अभी ये पढ़ते कि सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक द फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड एंड ब्रेड और स्टैंड्स of algae in ponds are multicellular. However, most microorganisms such as bacteria and viruses are unicellular. अभी हमने ये पढ़ा है. They have a somewhat different cellular structure. They do not have the membrane-bound organelles found in eukaryotic cells. The plasma membrane, cytoplasm and nucleoid are their only components. Such cells are called prokaryotic cells. तो अभी हमने ये समझ लिया है. Growth of microorganisms. Each microorganism needs a specific environment for growth and reproduction. Many microbes need oxygen for their growth, whereas some microbes can grow without oxygen. यानी कुछ microbes ये without oxygen के सिवा भी रह सकते हैं और उनकी growth और reproduction के लिए एक specific environment आवश्यक रहता है. Some microbes microorganisms survive even in extreme and adverse condition like the ocean floor, ice in polar regions, हॉट वाटर स्प्रिंग्स एटसेट्रा. यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे है कि जो एक्सट्रीम एंड एडवर्स कंडीशन में भी रहते हैं. ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ थिक कवरिंग अराउंड देम सेल्स. एडवर्स कंडीशन में वो अपने अराउंड एक थिक थिक फॉर्म में कवरिंग कवरिंग फॉर्म करते हैं, थिक कवरिंग अपने अराउंड फॉर्म करते हैं around themselves and stop their life processes. On return of favorable conditions they came out of the protective covering and continue their life process. Where do the microorganisms grow? Medium yani soil, water, decaying matter etc. Temperature 25 degree 37 degree. Nutrition, specific nutrients, example algae, chlorophyll, oxygen. Atmosphere रहता है moist, humid, warm. According to shape and life process, microorganisms are classified as algae, fungi, protozoa, bacteria and viruses. Useful microorganisms. Some microorganisms carry out decomposing of waste and convert it into fertilizers from farm waste, human excreta, wet garbage etc. is used in a biogas plant to produce biogas and fertilizers with the help of microbes. Sewage is also treated with microbes for quick decomposition of the organic compound in it. Microbes thus keep the environment clean by decomposition process. Microorganisms के वजह से
वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता है, वैसे बायोगैस बायोगैस प्लांट की निर्मिति होती है, और जो सीवेज है वो भी यानी सीवेज इज ऑल्सो ट्रीटेड विथ माइक्रोब्स फॉर क्विक डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन इट। इसी प्रकार से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये एनवायरमेंट क्लीन रखने के लिए हेल्प बाय डिकम्पोजिशन प्रोसेस से हेल्प करती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल, जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट कन्वर्ट करती है एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू इट्स कंपाउंड। ड्यू टू देम उसकी वजह से फर्टिलिटी इंक्रीज एंड द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द पल्सेस ऑल्सो इंक्रीजेस। उसकी वजह से जो प्रोटीन कंटेंट रहता है पल्स में का वो इंक्रीज हो जाता है। माइक्रोब्स प्रोड्यूस मिल्क प्रोडक्ट लाइक कर्ड, बटर, बटर मिल्क, चीज, पनीर एटसेट्रा फ्रॉम द मिल्क। प्रोसेस लाइक टैनिंग ऑफ स्किन, टैनिंग ऑफ स्किन, प्रोडक्शन ऑफ रोप्स एंड स्ट्रिंग्स फ्रॉम अगावा आर डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस बैक्टेरियल फर्मेंटेशन, अल्कोहल फ्रॉम ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, ब्रेड फ्रॉम फ्लावर, एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स एटसेट्रा आर प्रोड्यूस्ड। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ये जो एक केमिकल प्रोसेस है, कन्वर्शन ऑफ वन टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड इनटू अनदर टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रक्रिया जो करती है उसकी वजह से द केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वन टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड इनटू अनदर टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। यानी फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया रहती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ कार्बन कंपाउंड दूसरे कार्बन कंपाउंड का रूपांतर हीट और हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ गैसेस प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं और उसी को हम फर्मेंटेशन ऐसे कहते हैं। द केमिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वन टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड इनटू अनदर टाइप ऑफ कार्बन कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो उसमें हीट जनरेटेड होती है, हीट इज जनरेटेड इन दिस प्रोसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस आर रिलीज्ड। दीज गैसेस कॉज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम। एग्जाम्पल ब्रेड डफ, यानी हम देखते हैं ब्रेड डफ एंड इडली बैटर आर सीन टू राइज। द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज यूज फॉर मेकिंग योगर्ट फ्रॉम मिल्क, प्रोड्यूसिंग अल्कोहल फ्रॉम ग्रेन्स एंड फ्रूट्स, ब्रेड फ्रॉम फ्लावर, एज वेल एज इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स एटसेट्रा। एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। एंटीबायोटिक्स क्यूर डिजीज लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस, टाइफॉइड, कॉलरा एटसेट्रा। डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी जो एनिमल्स हम हमारे घर में रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स आर ऑल्सो गिवन एंटीबायोटिक्स। यानी जैसे कि गाय, भैंस, डॉग, कैट, ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, हॉर्स, तो और ऑल्सो गिवन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस। प्लांट डिजीजेस आर कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। प्लांट डिजीज भी एंटीबायोटिक्स से कंट्रोल हो सकते हैं। अ वैक्सीन दैट गिव्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज इज ऑल्सो प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स इन अ लेबोरेटरी। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें फूड पॉइजनिंग आता है। एज दे यूज फूड स्टफ्स फॉर देयर ओन न्यूट्रिशन, सम माइक्रोब्स रिलीज टॉक्सिक मटेरियल्स इन टू द फूड। सच टॉक्सिन स्पॉइल द फूड। ईटिंग सच स्पॉइल्ड फूड कैन कॉज लूज मोशंस एंड वोमिटिंग।
यानी जो टॉक्सिक फूड पॉइजनिंग की वजह से क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स हमारे अंदर जाता है बॉडी के अंदर, उसकी वजह से सच टॉक्सिन्स स्पॉइल, वो टॉक्सिन की वजह से तो फूड स्पॉइल होता ही है, लेकिन वो जो हम ईट करते हैं उसकी वजह से हमें लूज मोशन या ओमिटिंग जैसे ओमिटिंग हो सकता है. सो ऑलवेज रिमेम्बर, ईट फ्रेश एंड प्रॉपरली कवर्ड फूड, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, होल्ड अ हैंडकरचीफ ओवर यूअर माउथ एंड नोज व्हेन यू कफ और स्नीज, एंड डोंट अलाउ गार्बेज एंड वाटर टू एक्युमुलेट अराउंड यूअर हाउस. स्वच्छता भारत अभियान, ऑलमोस्ट 80% ऑफ ऑल डिजीज ऑकर, ऑल डिजीजेस ऑकर ड्यू टू अनक्लीननेस. कीपिंग अवर सराउंडिंग्स क्लीन, अवॉइडिंग लिटर एंड डिस्पोजिंग गार्बेज प्रॉपरली, अवॉइडिंग डिफिकेशन इन द ओपन आर सम इजी वेज टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिजीज. द स्वच्छता भारत अभियान इज अ नेशनल मूवमेंट started several years ago to increase awareness about public hygiene along with habits of personal hygiene. Let us participate in this movement by starting a cleanliness drive in our school and neighborhood. Make sure to check is the water tank and the water in it clean? Are the water tanks and toilets in the school clean? Is the water and accumulates in pots, tires, cans, etc. around the house drained promptly? Are the water storage containers cleaned regularly? Do you know what exactly happens when we have fever? So, jab body temperature of a healthy human being is about 37 degrees centigrade, if microorganisms enter our body, our immune system starts acting and body temperature rises. This destroys the microorganisms. The sight of an injury also feels warm for the same season. अगर हमारा जो temperature रहता है, जो हमारे human body temperature रहता है वो 37 degree centigrade इतना रहता है, अगर हमारे body में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हो गए तो वो हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से यानी हमारा टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी वजह से वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं. और जब हमें कोई लगता है कोई जख्म, कुछ उम्स वगैरह होते हैं, तब भी यही प्रोसेस होती है. तो बच्चा पार्टी, आज हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये लेसन खत्म हो गया है.